ओके जी, इस सेशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास जब आपको किसी वेबसाइट को बनाने के बाद कहीं लाइव सर्वर पे रखना होता है तो हम उसके लिए होस्टिंग करवाते हैं, उसका डोमेन खरीदते हैं और उसकी होस्टिंग करवाते हैं। तो आपको पता है कि वैसे तो बहुत सारे हमारे पास वेबसाइट्स या पोर्टल हैं जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन होस्टिंग कुछ मिलती है फ्री में, कुछ मिलती है पैसों पे। तो फ्री में सिर्फ वो बच्चे जो ट्रायल बेसिस पे सीखना चाह रहे हैं होस्टिंग होती कैसे है, वेब डिजाइनर्स के लिए। लेकिन हम जो करने जा रहे हैं वो होगा एक पूरा कंप्लीट पोर्टफोलियो, या आप समझ लें हमारे पास जो क्या होगा, एक पूरा टेम्पलेट होगा जिसको अपलोड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। कहाँ पे? जिस वेबसाइट पे आपको होस्ट करनी है वो आपकी वेबसाइट। तो सबसे पहला काम ये होगा कि हमने 000 वेब होस्ट पे जाना है जो कि फ्री है और आप यूज करते हो मेजॉरिटी होस्टिंग के लिए। सही है जी, 000 वो वेब होस्ट। आप यहां पे आ जाएंगे। अब इस आपकी वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेबसाइट होस्ट होती है। कितनी? एक। और उसके अलावा अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही रहेगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, आपकी जो है वो फ्री होस्टिंग खत्म कर देते हैं। सही है, यहाँ पे पैसों पे भी है और आपकी मंथली चार्जेस भी होते हैं, लेकिन आपको फॉलो करना है कौन सा वाला, फ्री वाला। तो फर्स्ट जो है वो फ्री वाला, इस पे क्लिक करें। फ्री वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप के लिए आपको जो ईमेल यानी जीमेल है आप वो प्रोवाइड करते हैं, या आप फेसबुक से भी कर सकते हैं, गिवन है नीचे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, सिंपल बट इजी 10 आपने जीमेल देना है, राइट, या आप फेसबुक वगैरह के थ्रू भी पासवर्ड वगैरह देके आप कर सकते हैं लॉग इन। अच्छा ये क्या बोल रहा है, ऑलरेडी ये यूज हो रहा है तो आपको साइन अप नहीं करना, लॉग इन कर देना है। तो मैं लॉग इन विथ गूगल कर लेता हूँ, मेरा इस ईमेल से ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे बना पड़ा है। सही है, और आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपकी ईमेल इसी के थ्रू आपने अकाउंट बनाया है 000 वेबोस पे, तो जो वेबसाइट अपलोडेड है अभी, देखें हमारे पास एक टेस्ट के लिए पोर्टफोलियो अपलोडेड है, तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे, मैनेज वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, जो मेरी ऑलरेडी अपलोडेड वेबसाइट है मैं उसको डिलीट करूंगा, नहीं अपलोड करूंगा, क्योंकि आपको पता है ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक ईमेल से एक ही अकाउंट बनाओगे तो एक ही वेबसाइट अपलोड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो यहां आना, उसके बाद आपको जनरल सेटिंग या वेबसाइट सेटिंग के अंदर जाना है। वेबसाइट के अंदर जनरल सेटिंग, जनरल सेटिंग के अंदर बिल्कुल लास्ट में जाओ तो यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप कल को कोई PHP वगैरह यूज कर रहे हो, डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो वो चीजें भी दे सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, जो वेबसाइट है उसको क्या करना है, डिलीट करना। सही है, इसको डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। जैसे आप डिलीट कर लोगे तो आपको बोलेगा ये कि आप क्या करें, न्यू वेबसाइट क्रिएट करें, इस पे क्लिक करें, नई वेबसाइट का नाम डिसाइड करें। ठीक है जी, तो मैं इसको कह देता हूं माय पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, और इसको कर देते हैं 21, पासवर्ड कुछ रख देते हैं पाकिस्तान 123। सही है, ये ईमेल या आपकी, सॉरी ईमेल बोल रहा हूँ, आपकी जो डोमेन का नाम है और इसका पासवर्ड है, एटलीस्ट ये अपने पास भी सेव कर लें, इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन भी तो करेंगे। सही है जी, तो आपने ये वेबसाइट बना देनी है इस तरह से। क्या था नाम इसका, 21, ये हट चुका था अलर्ट। पासवर्ड क्या दिया था, पाकिस्तान 123। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना। अच्छा जी, ऑलरेडी ये नाम कोई यूज कर रहा है तो हम क्या कर देंगे, 41 कर देते। कोई भी नाम आप इन फ्यूचर कुछ भी रख दीजिएगा। चलो भाई हो जाओ क्रिएट, ये हो रहा है। ठीक है जी, वेबसाइट हैज बीन क्रिएटेड, तो आपकी वेबसाइट बन चुकी है, यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। श्योर है?
जैसे ही वेबसाइट बन जाती है तो आपके पास यहाँ पे फाइल मैनेजर शो हो जाता है, सही है। अब इस पे जाके आपने क्या करना है, अपलोड करनी है वेबसाइट, आपने बनानी नहीं है वर्डप्रेस वगैरह से, ऑलरेडी बनी पड़ी, अपलोड करनी है। इस पे क्लिक करना है अपलोड पे, नेट हमारा थोड़ा सा स्लो है। ओके, अब आप यहां पे आ जाते हो, यानी आप समझ लो कंप्यूटर के जैसे ई ड्राइव या डी ड्राइव में होते हैं ना, ऐसा ही समझ लें आप कहां पे आ चुके हैं, एक कंप्यूटर के फाइल मैनेजर के अंदर आ गए। अब यहां पे आपको वेबसाइट के फोल्डर्स या फाइल्स रखने हैं, कहां रखने हैं, आपको जाना है पब्लिक डॉट, ये जो एचटीएमएल वाला फोल्डर है इसके अंदर जाना है, और इसके अंदर एचटीएक्सएस की फाइल पड़ी है, सबसे पहले इसको डिलीट करना है। कौन सा क्लियर हो गया? ये करने के बाद आपने अपने जितने भी टेम्पलेट की फोल्डर्स और फाइल्स की हायरची है उसको डिफाइन करना है। हम जो पोर्टफोलियो या जो चीज अपलोड करने जा रहे हैं वो ये है, तो इसके अंदर जो फोल्डर है, एक फोल्डर है आइकन्स के नाम से, दूसरा है इमेज के नाम से, तीसरा है वेंडर्स के नाम से। पहले तो तीन फोल्डर बनाएंगे, हम सब क्लियर है, एक फोल्डर किस नाम से बनाएंगे, इमेज, और जितनी भी इमेजेस हैं इस फोल्डर के अंदर जाके आपने क्या करनी है बेटा, अपलोड कर देनी है। कौन सा क्लियर हो गया? इमेज का फोल्डर बनाया और आपने वो तकरीबन चीजें जो उस इमेज फोल्डर के अंदर पड़ी हैं वो आपने उठा लेनी है। तो डेस्कटॉप पे जाएंगे, टेम्पलेट्स के नाम से फोल्डर था, ये है इसके अंदर टेम्पलेट, इमेज, ये सारी इमेजेस आपने अपलोड कर देनी है। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो इमेजेस के फोल्डर में जितनी भी नंबर ऑफ इमेजेस थी आपने अपलोड कर देनी है। इसी तरह से एक और फोल्डर था, किस नाम से, वेंडर के नाम से, एक और था किस नाम से, आइकन्स के नाम से। अब वापस आना है, देखें आपको मेन पब्लिक एचटीएमएल के अंदर यहां पे आके आपने अब यहां देखना है किस नाम से फोल्डर है आपका, वेंडर्स के नाम से। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आपको पता है पाथ चेंज हो जाता है वरना, तो फोल्डर क्रिएट करना है वेंडर्स के नाम से, एक और भी क्रिएट कर ही लेते हैं आइकन्स के नाम से। सही है। अब आइकन्स फोल्डर के अंदर जो आपकी वहां पे आइकन्स पड़ी है वो सारी अपलोड कर देनी है। यहां आएंगे टेम्पलेट के अंदर आइकन्स, और ये दो ही हैं, दोनों ही आपने क्या कर लेने हैं, ओपन कर देने हैं, अपलोड कर देने हैं। इसके बाद फिर एक चीज और रह गई हमारी, कौन सी है वो, कि आपने वेंडर्स के अंदर जो फोल्डर सॉरी फाइल्स हैं वो आपने अपलोड कर देने हैं। तो आपने यहां आना है, टेम्पलेट के अंदर है वेंडर्स, इन तकरीबन वेंडर्स को आपने सिलेक्ट करना है और ओपन कर देना है, अपलोड कर देना है। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद एक चीज याद रहे, जितने भी एचटीएमएल के वेब पेजेस होते हैं वो बाहर होते हैं, है ना, यानी इन फोल्डर से बाहर होते हैं, लेकिन एक चीज अपने माइंड में बिठा दें, ये टेम का नाम नहीं रखेंगे, इसका नाम रखेंगे इंडेक्स। क्या नाम रखेंगे? इंडेक्स। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यही फाइल आपने रीनेम कर लिया इंडेक्स के नाम से, अब ये सबसे बाहर यानी पब्लिक एचटीएमएल के अंदर आपको ये अपलोड करना है, यहां पे आके तो आपने अपलोड करना है ये इंडेक्स फाइल। अभी एक ही एचटीएमएल का फाइल है, कल को आपके पास ज्यादा हो सकते हैं, अबाउट हो गया, होम पेज हो गया, है ना, सॉरी अबाउट के अलावा आपके बाकी जो पेजेस हैं, कॉन्टेक्टस, गैलरी, ये सारे वेब पेजेस आपको बाहर ही रखने हैं, लेकिन एक पेज जो होम पेज होगा उसका नाम इंडेक्स, वो भी सारे स्मॉल में, ऐसा ना हो आई कैपिटल रख रहे हो, ठीक है, तो ये मसले करेगा। ये करने के बाद आप थोड़ा सा पीछे हैं, यहां पे आगे रिफ्रेश करें तो आपको एक वेबसाइट जो वहां पे अपलोड हो चुकी है ठीक है। अब आपको अपनी वेबसाइट देखनी है, वेबसाइट की सेटिंग में जाएं, जनरल में जाएं, वेबसाइट का नाम चाहिए सिर्फ, किस नाम से बनाया था, इस नाम से, आपकी लिंक चाहिए आपको, यहां पे तो नहीं नजर आ रही, तो आप इस पे क्लिक कर लें,
कि आप होम पेज पे चले गए, माय साइट्स, ये देखिए शो रही है, ये आपकी लिंक बन चुकी है। अगर मैं इसको अभी ओपन इन न्यू टैब करता हूं तो आप देखेंगे आपका पोर्टफोलियो अपलोड हो चुका है। कौन सा क्लियर है? ये आपकी वेबसाइट अब 000 वेब हाउस पे होस्ट हो चुकी है। सिंपल है, आपको सिर्फ ये नंबर ऑफ स्टेप कुछ फॉलो करना है और आपकी तकरीबन चीजें एज इट इज काम करती रहेंगी जैसे आपने की है। इवन देखिए एनिमेशन, ट्रांजेक्शन, सारी चीजें अप्लाई हो रही है ना, सही है। तो आपने सिंपल क्या करना है, जो चीजें आपने बनाई है इन द फॉर्म ऑफ फोल्डर्स और फाइल्स, यही फोल्डर वहां जाके बनाने हैं, इसी तरह से रखने हैं जिस तरह से आपके सिस्टम पे पड़े। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहले एक तरीका होता था कि हम क्या करते थे, जिप फोल्डर करके अपलोड करते थे, एक साथ वहां जाके एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, लेकिन आजकल वो एक्सट्रैक्ट में थोड़े मसले आ रहे हैं 000 वेब होस्ट पे। सही है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यही तरीका होता है होस्टिंग का अगर आप एज ए डिजाइनर हैं। हाँ, अगर आपको डेवलपर हैं तो आपको डेटाबेस और फाइल्स वगैरह की चीजें देनी पड़ती हैं, लेकिन अभी के लिए आपको एज अ डिजाइनर या बींग अ डिजाइनर आपको इन तरह की चीजों पर काम नहीं करना। ये एक सिंपल सा तरीका था और ये आई होप सिंगल वेब पेज है आपकी एप्लीकेशन। ठीक है जी, ये था होस्टिंग विथ 000 वेब होस्ट।